फिलहाल जो मेरा हॉस्टल है वो कुछ इस तरीके का है। ये वाला मेरा बंक बेड है, आपको इस तरीके के लॉकर्स मिल जाएंगे, आपको काफ़ी एक क्लीन वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम है, शावर भी है, हॉस्टल है, इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट टाइप है जो कि बीच से एकदम कनेक्टेड है। तो मैं बस रैंडमली निकल रहा हूँ और काफ़ी एकदम चिल वाइब जा रही है गोवा के अंदर। धूप में ट्रैवल किया और अभी आराम से बस मज़े कर रहे हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अपने हॉस्टल में गोवा में। आज गोवा में ज़्यादा कुछ करने का इरादा नहीं और अरंबोल में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मेरे को पता नहीं ये कैसा होने वाला है। पहले मैं बागा, कलंगूट, पंजी ये साइड पे जा चुका हूँ। ये साइड पे जो अरंबोल साइड का एरिया है, यहाँ पे मैं पहले कभी आया नहीं हूँ, सो फर्स्ट टाइम है, देखते कैसा मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है। और यहाँ पर कुछ अच्छा एक फ़िश थाली भी ट्राई करेंगे। गोवा में सिर्फ आराम करने के लिए आया हूँ, मेरा लास्ट डे है क्योंकि बाद में मैं मुंबई जाने वाला हूँ, मेरा ये ट्रिप ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। फिलहाल जो मेरा हॉस्टल है वो कुछ इस तरीके का है, ये वाला मेरा बंक बेड है और यहाँ पे मेन आपको इस तरीके के लॉकर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अपना बैग रख सकते हो। आप अगर आ रहे हो तो ऐसा ताला लेके रखना, जो कि मैंने भी लेके आया था, क्योंकि हर जगह पे जब भी आप हॉस्टल में जाते हो हर जगह पे आपको लॉक नहीं मिलता है, तो इट इज़ बेटर कि अगर आप ऐसे हॉस्टल्स में स्टे कर रहे हो तो ऐसा एक लॉक लेके रखो। बाकी यहाँ पे बाहर नज़ारा कुछ ऐसा है, वॉशरूम आपको काफ़ी एक क्लीन वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम है, शावर भी है। सो अभी बस यहाँ पे मैं फ्रेश हुआ और एक अलग बंक बेड भी है जहाँ पे चार लोगों के है। ये फ़िलहाल यहाँ पे हम रह नहीं रहे, तो हम जाएंगे देखेंगे नहीं। बाहर भी काफ़ी अच्छा जो हॉस्टल है इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट टाइप है जो कि बीच से एकदम कनेक्टेड है, तो नीचे जाके देखते कैसा है। सो ये बाहर का कुछ ऐसा एरिया है, काफ़ी अच्छा एक बीच का फुल व्यू आता है यहाँ पे। अभी थोड़े टाइम में जैसे थोड़ा बहुत धूप कम हो जाएगा तो वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे अपन चलते चलते। बाकी समंदर अपना कमाल दिखा ही रहा है। गाइस पता नहीं अब ये रास्ता कहाँ जाता है, मैं ऐसे वैसे ही रैंडमली निकल जा रहा हूँ। मैंने सुना यहाँ पे एंड पे एक रॉक का कुछ ऐसा एक अच्छा जगह है जहाँ से अच्छा व्यू आता है, तो मैं बस रैंडमली निकल रहा हूँ और काफ़ी एकदम चिल वाइब जा रही है गोवा के अंदर। इतना हिच हाइकिंग किया, इतना धूप में ट्रैवल किया और अभी आराम से बस मज़े कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हो अरंबोल तो यहाँ पे इस तरह का आपको शॉपिंग का बहुत सारा स्पॉट्स मिल जाएगा। मेरे को तो लेना नहीं है इसलिए मैं लूंगा नहीं। बाकी यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे आगे जाना मना है, इसलिए बहुत पानी का वेव भी आता है, इसलिए वहाँ पे हम जाएंगे नहीं। बाकी ये रॉक्स काफ़ी सही लग रहे, सुंदर लग रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे साइड जा रहा हूँ, यहाँ पे शायद ऊपर माउंटेन पे चढ़ने की भी जो जगह है ऊपर पर। फ़िलहाल मैं सीधे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्वीट लेक करके कुछ वो बंदा बोल रहा था आगे है और उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना भी है, पर अभी जाके देखते क्या है क्या। रास्तों में ऐसे नज़ारे दिखते जाएंगे भाई, यहाँ पे तो डेड एंड हो गया भाई आगे रास्ता ही ख़त्म हो गया, शायद मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया। यहाँ पे फिलहाल सामने एक मुझे बीच नज़र आ रहा है, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, मेरे को लगता है वापस जाना है। वेयर इज द स्वीट लेक, सो हाउ डू वी गो देयर?
आई वांट टू गो आल्सो यू वांट टू गो देयर ओके सो भाई साहब वेयर आर यू फ्रॉम बट नो कैमरा ओके ओके आई एम अ ब्लॉगर बाय द वे मे बी यू विल कम फेमस देन व्हाट आई विल डू अरे भाई कहीं से तो जाने की कोशिश कर रहे हम लोग और एक भाई साहब है जो कि रशिया से जो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते कोई बात नहीं उनका अपना ये है व्हाट इज दिस प्लेस ओके आई एम ट्राइंग टू हाइड योर फेस एज मच एज पॉसिबल बिकॉज व्हेन यू वॉक दैट साइड आई एम रिकॉर्डिंग Just I believe you. भाई पूरा ज़्यादा लोग नहीं है पर अच्छी शांत जगह है थोड़ा पसीना भी आ गया धूप है यहाँ पे आगे बीच है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लोग ने और यहाँ से होती है एंट्री ये स्वीट लेक की और यहाँ पे लोग स्विमिंग भी करते हैं मेरा कोई इरादा है नहीं स्विमिंग करने का ये एक्चुअली मीठे पानी का लेक है ये एक्चुअली मीठे पानी का लेक है इसलिए लोग यहाँ पे आके स्विमिंग कर रहे हैं ऐसा ही एक लेक है कुछ नहीं भाई बस लोग तैर रहे मज़े ले रहे और कुछ नहीं देखते मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकूंगा नहीं अभी आगे निकलूंगा इधर को मी आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी बट ओके नॉट आई कांट टॉक इन हिंदी ओके आई एम फ्रॉम गोवा इट्सेल्फ बट ओके वेयर इन गोवा ब्रदर सांकेलिम सर ओके सो भाई अभी हम लोग कौन सी तो एक खुफिया जगह पे जा रहे पता नहीं वेयर आर वी गोइंग ब्रदर बैनियन ट्री कुछ तो है पर भाई ऊपर की जगह कैसी भी हो ये रास्ता एकदम किलर है मैं इतना पसीना पसीना क्यों हो गया हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट एक ट्रैकिंग करके आया हूँ एकदम एडवेंचरस ट्रैकिंग जो कि आपको अगले वीडियो में दिखेगा उसका एक प्रॉपर अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करूँगा ये जो दोनों बंदे लोग जा रहे हैं इन लोग के साथ मैंने ट्रैकिंग की है अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने हॉस्टल के तरफ थोड़ा सा खाने पीने के लिए तो एक अच्छा फिश थाली ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना मत गाइस जो एडवेंचर हुआ है ना भाई नेक्स्ट लेवल यहाँ पे गाना वाना बज रहा है यहाँ पे समुंदर है बहुत ही मज़ा आ रहा है गोवा के अंदर मैं सच बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे ना इतना एडवेंचर हुआ है खतरनाक हुआ है ये दोनों बंदे भी उसमें दिखेंगे ये रशियन है और ये यहाँ का लोकल ही है मतलब गोवन ही है इन लोगों के साथ मैं अभी घूम रहा था रैंडमली मिल गया कोई जान ना पहचान बस आ गए और चले गए इन लोगों के साथ